क्या मान के चले, लोकसभा चुनाव के जैसे ही परिणाम आएंगे या कुछ बदलाव होगा? लोकसभा के चुनाव दो हिस्सों में बटा हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करनाल छोड़ चुके हैं जी, मैदान से हट गए हैं वहाँ से। बिल्कुल, ये उनका करनाल को छोड़ के जाना जी एक मैसेज कुछ अच्छा नहीं देता। करनाल विधानसभा में कांटे की फाइट है, भाजपा कांग्रेस यहाँ पर कोई भी चुनाव जीत सकता है, जगमोहन आनंद या सुमिता सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है और वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है। हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौर दोनों के लिए येलो सिग्नल जी, जिसकी गाड़ी चौथे पांचवा गियर पकड़ लेगी वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। रोहिता रेवड़ी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, मैंने कहा ना, वो मान लो उनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे, वो बिल्कुल मुकाबले में है, वो डैमेज करेंगे। मुझे जो लगता है लोग ये कह रहे हैं डैमेज करते करते चुनाव भी जीत सकती है, अभी शायद स्थिति में तो नहीं, ट्रेंगुलर फाइट कही जा रही है वहाँ। बिल्कुल ट्रेंगुलर फाइट में तो आ गई है, वो चुनाव जीत सकते हैं, जीतने की तरफ है, जीतने की तरफ, चुनाव जीतने की तरफ है शमशेर गोगी, यही लोगों की राय भी काफ़ी निकल करके आई है। इंद्री विधानसभा में रामकुमार कश्यप कैंडिडेट हैं, निवर्तमान विधायक हैं। अगली बात कर लेते हैं पानीपत ग्रामीण की। महिपाल डांडा यहाँ से कैंडिडेट हैं, 2019 में विधायक बने, सरकार के अंदर वजीर भी रहे, राज्य मंत्री बने। सामने हैं सचिन कुंडू कांग्रेस से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी एक विशेष प्रस्तुति कि हरियाणा के दिल में क्या है, हरियाणा की जनता क्या मूड बना रही है। मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया कि हरियाणा को हमने 10 लोकसभा सीट के हिसाब से 10 जोन में रखते हुए 9-9 सीटों के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो आपको हम बताते हैं, जो जानकारी देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट की उसके अंदर होती है, कुछ पॉलिटिशियंस की होती है, कुछ वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं जिनसे बात के आधार पर, जिनसे चर्चा के आधार पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है। चाहे वो टिकट वितरण का काम था और चाहे अब चुनाव चल रहा है जिसके अंदर बात ये आ रही है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन ऊपर कौन नीचे। हालाँकि ये कोई ओपिनियन पोल भी नहीं है और ये कोई एग्जिट पोल भी नहीं है, ये केवल एक नज़रिया है और अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। चुनाव 5 तारीख को होगा, मतगणना 8 तारीख को होगी और हम हालांकि आपको बताएंगे उस दौरान भी कि पूरी कंडीशन क्या है। अभी तक आपके साथ हम 8 लोकसभा सीटों की बात कर चुके हैं, आज 9वीं लोकसभा करनाल चर्चा करेंगे। देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, सुरजेवाला जी स्वागत है आपका। नमस्कार, आप परिचित हैं सुरजेवाला जी से, राजनीतिक विश्लेषक कहूँ या राजनीति पर पैनी नज़र, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं, गजटेड ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं। सुरजेवाला जी, राजा करण की नगरी करनाल जी, और इसके साथ देखें तो फिर पानीपत गवाह है विश्व युद्ध का, पानीपत बड़ी गवाही, तीन लड़ाइयाँ पानीपत की जी। हाँ, करनाल इतिहास है, दोनों का इतिहास है। हाँ, करनाल और पानीपत दो जिले आते हैं करनाल की लोकसभा में जी। क्या मान के चलें करनाल का, करनाल में मनोहर लाल खट्टर जी सांसद बन गए जी, अच्छे मार्जिन से सांसद बने, उन्होंने दिव्यांशु बुद्धि राजा को ठीक ठाक वोटों से हराया, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जी। हाँ, 9 विधानसभा सीटें हैं जी, क्या समझे स्थिति क्या है आज की? देखिए, करनाल को एक टैग मिला पिछले दिनों जी, सी एम सिटी। वो टैग तो छिन जाएगा आपकी बार, अभी तक तो है, अब तो छिन जाएगा क्योंकि अब करनाल का कोई विधायक नहीं है, कोई भी अब भी नहीं है। नहीं, देखिए, अब निवर्तमान विधायक वहीं से थे, देखिए निवर्तमान विधायक तो है, पिछले मुख्यमंत्री वहीं से थे अभी तक तो, और फिर स्मार्ट सिटी का भी टैग मिला। सीएम सिटी बड़ी चीज है बहुत, स्मार्ट सिटी तो फरीदाबाद भी है। हाँ, फरीदाबाद भी, फरीदाबाद की चर्चा आपसे कम से कम 3 वीडियो में करेंगे दोस्तों जी। नाम से तो स्मार्ट सिटी का भी एक बहुत बड़ा दर्जा है जी, भाई पूरे देश के अंदर और हरियाणा के केवल 2 ही शहर। चलिए खैर जी, सीएम सिटी करनाल जी, तो मैं जो बता रहा था कि अगली बार तो सीएम सिटी रहेगी नहीं। हाँ, चूंकि भाजपा ने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको लाडवा चले गए हैं और कांग्रेस का उधर से कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता। अगर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से है, नहीं जो भी है वो करनाल से कोई नजर नहीं आता। हाँ, करनाल से जी, बिल्कुल ठीक है, चलिए वो अलग बात है। तो क्या मान के चले, लोकसभा चुनाव के जैसे ही परिणाम आएंगे या कुछ बदलाव होगा?
नहीं, लोकसभा के चुनाव दो हिस्सों में बटा हरियाणा जी। एक पंजाब के साथ लगता जो बेल्ट है वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा। करनाल तो बीजेपी जीत गई पंजाब के साथ, पंजाब से तो टच नहीं मानेंगे जो पंजाब, हाँ, पंजाब का असर है, छाया करनाल पर है पंजाब की। सिख वोटर है वो अलग बात है करनाल में, लेकिन जैसे अम्बाला कुरुक्षेत्र में भी था, लेकिन भले कुरुक्षेत्र लूज कर गए हो, सिरसा और उसके बाद हिसार, तो वो सारी बेल्ट जो पंजाब के साथ लगता है बॉर्डर, करनाल का बॉर्डर नहीं लगता, एनी हाउ जी करनाल का यूपी से लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वहाँ पे जो है वो भाजपा के प्रति जो है लोगों में रोष था और उसका नतीजा कांग्रेस को लाभ मिला जी। तो अब जो है विधानसभा का चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जी करनाल छोड़ चुके हैं जी, मैदान से हट गए हैं वहाँ से बिल्कुल। ये उनका करनाल को छोड़ के जाना जी एक मैसेज कुछ अच्छा नहीं देता। भी क्या वजह है कि वो जब करनाल से बाई इलेक्शन लड़ा उन लोगों, नायब सिंह सैनी खुद चाहते थे करनाल से चुनाव लड़े, उन लोगों ने साथ दिया, अभी बुरे वक्त में तो आप मेरा साथ दें और अच्छे वक्त में मैं आपको छोड़ जाऊँ। अच्छा तो, अच्छा वक्त है बीजेपी का भाई, मुख्यमंत्री तो है जी, तो उनके लिए तो था अच्छा वक्त, उनको कुछ लौटा के देते, उन लोगों को आशा ही थी। वो अलग बात है कि वो क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएंगे। आगे बढ़ने से पहले देखें तो करनाल जो है यहाँ बीजेपी का टेस्ट अच्छा रहा है, लोगों को बीजेपी के नेताओं को हरियाणा का अगर इतिहास की बात करें आप तो करनाल और पानीपत दो ऐसी सीट रही है जी दोनों जिलों के अंदर। हरियाणा नहीं, नहीं, करनाल और पानीपत प्रॉपर सीटें हुई जो दो, हाँ। जो विधानसभा क्षेत्र जी जी करनाल और पानीपत जी जी ऑलमोस्ट वहाँ पर भाजपा जीतती रही है खूब, बीजेपी के वहाँ पे विधायक रहे हैं, रामलाल वधवाजी जो थे वो करनाल से होते रहे, फतेह चंद विज जी वो भी रहे, कस्तूरीलाल आहूजा जी वो पानीपत से होते रहे हैं जी, बीच में बलबीर पाल शाह जी भी आए कांग्रेस से, वो अलग बात है, पर ज्यादातर उनका वो रहा है करनाल में और पानीपत दोनों जगह पे। दो सीट भाजपा के बड़े नेता खूब देती रही, भाजपा की सीट मानी जाती रही है जी। तीसरी सोनीपत को भी कहते थे, मंगल सेन जी के टाइम में रोहतक को माना जाता था, वो समय के साथ बदलाव आता है। तो अब आप बात करें तो करनाल प्रॉपर विधानसभा, हाँ अगर आ जाएं करनाल की जो 9 विधानसभा सीटें हैं अगर चर्चा हाँ, करें इन पे जी, तो करनाल की विधानसभा सबसे पहले तो 2014 में करनाल में विधायक बने मनोहर लाल खट्टर जी, विधायक बन के मुख्यमंत्री बने, हाँ 2019 में भी विधायक बने, विधायक बन के मुख्यमंत्री बने जी। 11 मार्च 2024 जी उनकी हरियाणा से उनको भेज दिया गया, विदाई हो गई, विदाई कह देते हैं या वो कहते हैं कि विदाई मत कहो मैं हरियाणा में अब भी हूँ सांसद, अब भी हरियाणा से के तो सांसद तो भी हैं, चलो मतलब उन्हें मुख्यमंत्री पद से उनकी मुख्यमंत्री पद की रवानगी हो गई, मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया या मुख्यमंत्री पद रवानगी, अच्छा शब्द है रवानगी हो गई। उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी आए जी, नायब सिंह सैनी को उपचुनाव लड़ना पड़ा, लोकसभा के साथ उपचुनाव हुआ करनाल से, त्रिलोचन सिंह कैंडिडेट थे कांग्रेस के जी, और नायब सिंह सैनी थे कैंडिडेट बीजेपी के, 50,000 के आसपास मतों से चुनाव जीते जी। अब आपने पहले ही बता दी अब करनाल को वो छोड़ चुके, जो आम चुनाव हो रहा है जो मेन चुनाव है उसमें वो छोड़ करके लाडवा चले गए और लाडवा भेज दिया गया उनको, वो नहीं गए, चलिए उनको भेज दिया गया। अब करनाल में जो कैंडिडेट हैं जगमोहन आनंद हैं कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जी, कभी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, मनोहर लाल के बहुत नवरत्नों में नज़दीकियों में शामिल हैं जी, मीडिया सेल भी संभालते थे जगमोहन आनंद, हाँ मनोहर लाल जी का एक बार नाराज भी हुए पिछले दिनों, नाराज और खुशी तो चलती रहती है, हाँ बहू घर में रोजती भी रहती है मनती भी रहती है, नहीं काफी नाराज हुए थे धरना देने की तो नौबत पे, हाँ हाँ सब कुछ था, वो ये कि भी इनका जो पीए है वो मेरी बात नहीं सुनते, मिल बातें नहीं कुछ, हाँ, ऐसा, हाँ, कुछ ऐसा काफी हद तक रहा। तो जगमोहन आनंद तो कैंडिडेट हो गए भारतीय जनता पार्टी के, हाँ और भी बहुत सारे नाम थे लेकिन चयन हुआ जगमोहन आनंद का, और उनके सामने है सुमिता सिंह विरक जी, सरदार सुमिता सिंह विरक कह देते हैं चलो, ये वहीं से स्थानीय है गोगड़ीपुर जो गांव है वहां से ये है, वहां के निवासी है, सिख फैमिली में इनकी शादी हुई हुई है जी,
तो ये लोकल भी है और सिख फैमिली में शादी हुई है, तो आपने जो कहा सरदार सुमिता सिंह विरख, इसलिए कहा मैंने, सरदार तो नहीं कहेंगे उनको, सुमिता सिंह विरख, सरदार तो जेंट्स के लिए लिखा जाता है, सरदार नहीं कहते थे, हाँ सरदार नहीं तो कहा जा सकता है, चलिए सुमिता सिंह विरख कहते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपने कहा खट्टर साहब ने वहाँ से दो चुनाव लड़े, मैं आपको ले चलता हूँ 2014, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था, लगता था कि उसने तय कर लिया है कि अगला मुख्यमंत्री का पद किसको सौंपना है। आपने बात छेड़ दी, मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ एक मिनट की बात है। हाँ। 2014 के चुनाव से ठीक पहले जी, चुनाव डिक्लेयर अभी हुआ भी नहीं था पूरे से। हाँ जी। और बात चल रही थी कि मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। हाँ। हरियाणा के प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे मनोहर लाल जी, गुड़गांव में 32 माइलस्टोन होटल है, बिल्कुल। तो मनोहर लाल जी आ रहे थे नूह से, बड़खली से जी, आरएसएस का, उसके अंदर इंद्रेश जी और मनोहर लाल जी दोनों का एक कार्यक्रम था, ठीक है, वहाँ से आ रहे थे, हमने इनसे मिलने का समय मांगा था, हमारी मुलाकात हुई थी जी। तो मनोहर लाल जी ने इशारे इशारे में कह दिया था कि चुनाव लड़ना है तो सीएम बनने के लिए लड़ना, यानी कि जिस अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो फिर पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री का मैं ही, ये मैं ही, कॉन्फिडेंस था उनका ये, नहीं मैं वो कह रहा हूँ सिर्फ नेतृत्व ने ये बात लगभग तय कर ली थी और उनको सेफ सीट तलाशी जा रही थी, हालांकि वो रोहतक से थे, फरीदाबाद भी नाम चल रहा था उनका, और चला फरीदाबाद भी चला, बड़खल जो था, कृष्णपाल गुर्जर बताते हैं कृष्णपाल गुर्जर उस समय 2014 के चुनाव में बहुत नजदीक मेरे ऊपर वालों में शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री थे जी उस समय, केंद्र सरकार में वजीर थे, सांसद बन चुके थे। तो एक बार बता रहे थे कि मनोहर लाल जी ने उनसे कहा कि फरीदाबाद चुनाव अगर लड़ लूं, हाँ, तो विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर की उस समय दांत काटी दोस्ती थी जी। कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, हाँ, तो मैंने विपुल को हाँ कर दिया है। नहीं, इसके अलावा मैंने कहा ना, उनके लिए सीट की तलाश की जा रही थी जी, के बड़खल, फरीदाबाद या गुड़गांव या फिर सोनीपत, रोहतक या फिर करनाल या पानीपत, तो निगाह टिकी जा करके करनाल, फाइनल करनाल हुआ, करनाल को ज़्यादा सेफ माना गया था जी, उस लिहाज से, जो इतनी लंबी बात के पीछे कारण यही बता रहा हूँ कि करनाल को सेफ मान करके और खट्टर साहब को वहाँ से चुनाव लड़वाया गया था जी। यानी हम वो मुख्यमंत्री रहे और वही जो उनको करनाल को सीएम सिटी का टैग मिला, लेकिन कमोबेश वहाँ पर जो है कुछ पार्टी का, लोग कहते हैं कि जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि जगमोहन जो थे वो भी एक वक्त नाराज़ थे, पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रही विकास के कामों के प्रति या दूसरे, यानी हम फिर भी चलता रहा और उस दौर में अच्छी मार्जिन से नायब सैनी भी वहाँ से कामयाब जीते, लेकिन अब क्या वजह थी कि नायब सैनी को वहाँ से हटाया गया या हटना पड़ा, तो कोई ना कोई तो वजह नजर आती है। एक कारण ये भी था कि जब उपचुनाव हो रहा था जी, तो करनाल का पंजाबी समाज जो है और भाजपा के नेता वो नाराज थे भाजपा से, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, हाँ। आपने मनोहर लाल जी को ले आए और फिर हमने बर्दाश्त कर लिया, फिर अब आप नायब सिंह सैनी को ले आए, तो बताते हैं मनोहर लाल ने तभी कह दिया था कि भाई अगला चुनाव आप में से किसी को लड़वाएंगे। ये बात काफी हद तक आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वायदे चुनाव के, वो कहते हैं ना शादी के गीत सभी सच्चे नहीं होते, और चुनाव के वायदे, हाँ चुनाव के वायदे, इन्होंने तो बहुत सहज से कह देना था, वो तो एक जुमला था, ये कुछ हद तक है बट 100% नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ इसके पीछे ये भी कह सकते नहीं, ये है बिल्कुल है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी राज है जिसकी वजह से उनको हटाया गया या हटना पड़ा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि उनका वहाँ उस सीट से हटना, जब मुख्यमंत्री के लिए तो सेफ सीट पहले भी चुनी पहले चुनी तो जाती, चुनी जाती, तो उसे लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगी, ठीक बात है। दूसरी तरफ सुमिता सिंह जो है वो लोकल है, एमएलए रही हैं, एमएलए रही हैं और काफ़ी एक्टिव महिला है और बढ़ चढ़ के भाग लेती है पार्टी के जितने भी प्रदर्शन या और हुए हैं। मैं करनाल गया था लोकसभा का जो विधानसभा उपचुनाव था तब भी गया था मैं जी, तो लोगों ने कहा था कि राइट चॉइस इज सुमिता सिंह। हाँ, तो उनका हर प्रदर्शन में हर उसमें योगदान रहा है पार्टी के, उसे तो उनकी अच्छी छवि है जी।
तो लगता है कि वो तगड़ी फाइट दे रही है, मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, और हो सकता है वो बाजी मार भी जाए। सुमिता सिंह क्या कहना चाहेंगे, येलो लाइट देनी चाहिए या ग्रीन लाइट देनी चाहिए? देखिए, पिछले बैकग्राउंड को देख के तो हमें लगता है कि भाजपा का उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता कि वहाँ प्रभाव नहीं है जी, लेकिन जैसे हालात में परिवर्तन जरूर है। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ जो है ना टक्कर कड़ी है, कांटे की टक्कर है, और सुमिता सिंह जगमोहन आनंद दोनों के लिए येलो लाइट जी। जिसकी गाड़ी थोड़ी स्पीड गियर चौथा लग गया, हाँ, कुछ वो कुछ, हरी लाइट पे पहुंच जाएगी, हाँ, और नहीं तो रेड लाइट पे रुक जाएगी जी। तो करनाल विधानसभा में कांटे की फाइट है, भाजपा कांग्रेस यहाँ पर कोई भी चुनाव जीत सकता है, जगमोहन आनंद या सुमिता सिंह किसी की भी गाड़ी चंडीगढ़ पहुंच सकती है। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं, करनाल लोकसभा में इंद्री, हाँ, इंद्री विधानसभा में रामकुमार कश्यप कैंडिडेट हैं, निवर्तमान विधायक हैं, 2014 में विधायक बने थे जी। इससे पहले रामकुमार कश्यप साहब राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं इनेलो से जी जी जी। इनेलो छोड़ करके वो बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया, विधायक बन गए जी जी। सामने राकेश कंबोज, हाँ जी, राकेश कंबोज भी विधायक रहे हैं, हाँ जी, इंद्री से ही। मेरे ख्याल इनके पिताजी भी वो थे शायद, देशराज कंबोज शायद उनके बेटे हैं जी, शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनका अच्छा प्रभाव रहा है। कुलदीप बिश्नोई के बड़े खास रहे हैं किसी समय पर जी जी, हाँ, जब कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई अलग हुए थे तो ये राकेश, तो ये राकेश कंबोजी साथ थे उनके, हाँ, वहाँ पे उपचुनाव भी हुआ था, चुनाव भी लड़ा था, चुनाव भी उपचुनाव भी हुआ था वहाँ पर एक जी, बार जी। और अब ये कांग्रेस में है, हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई के साथ ही कांग्रेस में आए थे जी जी। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए तो फिर उन्होंने नहीं छोड़ी, हाँ, ये वही रहे। इंद्री में लोग बता रहे हैं कि जो है राकेश कंबोज रामकुमार कश्यप को बड़ी फाइट दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कश्यप साहब जो है ना वो इनेलो से भाजपा में आए और ये उस वक्त राज्यसभा के मेंबर थे, और वो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी इन्होंने पार्टी छोड़ के और वो 2014 का चुनाव लड़ा जी बीजेपी के टिकट पे, और उसे फिर बाद में दोबारा फिर वो विधायक बने, अब फिर तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए इस फैक्टर को लगता है कि राकेश कंबोज को पलड़ा भारी है। वैसे भी वहाँ पर बैकवर्ड वोट काफ़ी अच्छा है, ओबीसी दोनों हैं वहाँ हमेशा, पंजाबी वोटर भी हैं। बार इंद्री से जो है ना कंबोज बिरादरी से या दूसरे जो है ना वो, बिल्कुल, एक आध बार भीमसेन मेहता बने वहाँ पर, हाँ, पंजाबी कैंडिडेट थे वो, हाँ, बाकी ज़्यादातर वहाँ दो बार बने, वो दो बार बने, बाकी ज़्यादातर वहाँ पर ओबीसी बनते हैं जी। तो इंद्री में क्या राकेश कंबोज को या रामकुमार कश्यप को? राकेश कंबोज को लगता है कि उनके, वैसे हमारी भी, मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई तो लोग राकेश कंबोज का ही ज़्यादा कहते हैं कि राकेश कंबोज चुनाव जीत सकते हैं जी। तो दूसरी विधानसभा राकेश कंबोज कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल जी। तीसरी विधानसभा की बात कर लेते हैं, घरौंडा, करनाल जिले की ही विधानसभा है तीसरी, घरौंडा। घरौंडा से लगातार 2014-2019 जी हरविंदर कल्याण विधायक है, हाँ, पिछली सरकार में चेयरमैन भी बनाया गया था इनको जी, लोकप्रिय काफ़ी हैं जी, मनोहर लाल के बहुत नज़दीक रहे हैं, भाजपा के अंदर अच्छी पकड़ है जी, तीसरी बार टिकट मिला है। और सामने है कांग्रेस से वीरेंद्र राठौर जी। वीरेंद्र राठौर यहाँ पर 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा का भी जी जी, लोकसभा की तैयारी तो उनको थी तो उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, हाँ, कांग्रेस आला कमान के बड़े नज़दीक समझे जाते हैं, हाँ जी। घरौंडा के लिए क्या समझे, किसान, हाँ, आंदोलन के अंदर घरौंडा बहुत भड़का, हाँ, था, चर्चित रहा है, चर्चा रहा था। देखिए, हरविंदर कल्याण पहले कांग्रेस में थे जी और यूथ कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं जी, और 2014 में उन्होंने भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा और 19 में फिर कामयाबी मिली दोनों बार, इस बार तीसरी बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे। लेकिन आपने जो कहा कि वो वीरेंद्र राठौर 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हारने वाले के प्रति कभी कभी ये भी होता है कि एक सिंपैथी, एक सहानुभूति। लेकिन वीरेंद्र राठौर के लिए लोग कहते हैं कि उनका लोगों में कोई अपना तो मिलनसारिता वो सब कुछ नहीं है, पब्लिक में उनका कम्युनिकेशन गैप अच्छा रहता है, हाँ, लोग ये भी कहते हैं वहाँ के लिए। नहीं, ठीक कह रहे होंगे, लोगों का ऐसा मानना है। दूसरी तरफ अरविंदर कल्याण एक अच्छे, काफी मिलनसार है, जनता के बीच में रहते हैं, काम करने वाला है, तो फाइट तो है। जैसा कि आपने कहा कि
उस इलाके में किसान आंदोलन का बड़ा अच्छा वो रहा है, बॉर्डर के ऊपर आता रहा, सिख मतदाता भी काफी है वहाँ पर। तो उस लिहाज से जैसे कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की हवा है क्या? बिल्कुल है, पूरे हरियाणा में लोग कहते हैं जी कि भाई टिकट जो उनको कांग्रेस का मिलना ही उनके लिए ज्यादा लाभकारी है, वीरेंद्र राठौर के लिए जी। और मैं समझता हूँ उसी नाते उनको जो ना वो फाइट में मुकाबला बहुत कड़ा है, तो येलो लाइट दे दोनों को। हाँ, जो भी ज्यादा इलेक्शन संभाल लेगा लोगों में ये है कि हरविंदर कल्याण को वो नहीं कमजोर नहीं आंका जा सकता, बिल्कुल भी नहीं आंका। पिछले दिनों तो ये था कि हरविंदर कल्याण को एज था और वो आगे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि हरविंदर कल्याण का अगर इलेक्शन स्ट्रेटजी और उनका चुनाव का वो एज पे माना जा सकता है जी। हरविंदर कल्याण को एज कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कांटे की फाइट है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, और वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है जी। हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौर दोनों के लिए येलो सिग्नल जी, जिसकी गाड़ी चौथे पांचवा गियर पकड़ लेगी वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। बिल्कुल, अभी तो समय है, अभी समय है जी। तीन विधानसभा की चर्चा हमने कर ली, करनाल की चौथी विधानसभा सीट है असंत जी, योगेंद्र राणा को यहाँ पे टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं आजकल जी, या पहले थे या आजकल हैं, जिलाध्यक्ष जरूर रहे जी। इनके सामने कांग्रेस से फिर दोबारा शमशेर सिंह गोगी हैं। शमशेर सिंह गोगी सुरजेवाला साहब कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बड़े नजदीक हुआ करते थे, बिल्कुल मैं बड़ा देखता था, बहुत क्लोज होते थे। अब भी है उनकी मिलनसार है ये शमशेर गोगी जो है, वो कहते हैं ना यारों का यार है, वो बड़ा हंसमुख है और वो आज भी है। हंसते हंसते कह दिया था उन्होंने पिछले दिनों, हाँ, कि बड़े दिन बाद मौका मिला पहले अपना घर भरेंगे। नहीं, उनका आशय ये था भी, पहले वो कहना ये चाह रहे थे जो अब लोग उसको किसी भी तरफ ले जाए, उनका था कि बाहर से बहुत रिश्तेदार और वो लोग आए हुए हैं हमारे चुनाव में। अक्सर क्या होता है कि आदमी जो हल्के का होता है वो अपने रिश्तेदारों के काम भी बहुत लेके आता है, नेता के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। वो हल्के के काम तो करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हल्के से बाहर के लोगों के काम भी बहुत आने शुरू हो जाते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना उसके लिए तब भारी हो जाता है, वरना वो लोग नाराज। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई पहले अपने आदमियों के काम करेंगे अपने क्षेत्र के, हाँ, विकास कार्य। और उसको समझा यूं गया कि कह दिया पहले अलग चीज है, उसको हरियाणा में तो की भाषा ऐसी है, उसके कई डिफाइन क्यों नहीं किया उन्होंने, अर्थ निकाल लेते हैं, छोड़ दिया लोगों के लिए जैसा लोग करें। मतलब आप ये कह रहे हो उनका आशय ये रहा होगा, हम भी कह देते हैं बिल्कुल ये उनका आशय यही था, एक पॉलिटिकल आदमी का है जी कि भाई वो पहले अपने जो स्थानीय लोग हैं ना भाई उनके काम करें, उनका विकास की बात हो, उनके जो भी कार्य हो, बाहर से जो हमारे फिर उनके काम करेंगे, उन्होंने ये कहा था। असंत के अंदर जिलेराम शर्मा MLA रहे हैं, हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले जिलेराम शर्मा को मनोहर लाल जी ले आए थे, हाँ, बड़ी नाजो अदा के साथ जी जी ज्वाइन करवाया था जी, टिकट की बात भी उनकी चली थी जी, बाद में टिकट दे दिया योगेंद्र राणा को। हाँ, जिलेराम शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं वैसे तो जी। जिलेराम शर्मा एक ऐसा नाम है सुरजेवाला साहब जी कि वो 2009 में उनकी वैसे जमानत जब्त थी, हाँ, और वैसे चुनाव जीत गए थे। हाँ, कैंडिडेट इतने सारे थे वहाँ पर, हाँ, हो जाता है कई बार ऐसा, तो वो भी चुनाव मैदान में कुछ उनका असर तो लगता है क्या आपको? हाँ, वो वोट तो काटेंगे और नुकसान तो बीजेपी को करेंगे, वो बीजेपी को नुकसान होगा बट नेचुरल। शमशेर गोगी के लिए जी जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये हैं कि शमशेर गोगी चुनाव में बहुत आगे हैं, ये पिछला चुनाव तो ये बहुत थोड़े वोटों से जीते थे, भले ही हो लेकिन इस बार उनका पलड़ा काफी भारी है। हरफन मौला कैसे हैं? बस लोगों के बीच मिलना जुलना, कोई ज्यादा आवरण आडंबर और इन चीजों से नहीं है, मिलनसार है, मिलनसार व्यक्तित्व है, जैसा उनकी सेहत है वैसे ही उनका जैसे गोलमोल है वैसे ही गोलमोल स्वभाव है। चलिए, ये बड़ा अच्छा कह दिया आपने। तो क्या माने शमशेर गोगी को एज है? हाँ, वो उनका पलड़ा भारी, चुनाव जीत सकते हैं, बिल्कुल चुनाव जीत सकते हैं, जीतने की तरफ है, जीतने की तरफ है, चुनाव जीतने की तरफ है शमशेर गोगी, यही लोगों की राय भी काफी निकल करके आई है जी। और असंध में कांग्रेस करनाल जिले की पहली विधानसभा सीट जी, यह दूसरी विधानसभा सीट जिसमें कांग्रेस क्लियर है और दो सीटों पर कड़ा मुकाबला है। हाँ जी, अगली बात कर लेते हैं तो नीलोखेड़ी। हाँ जी, भगवानदास कबीरपंथी यहाँ से विधायक रहे हैं, 2014 में विधायक बने थे जी,
2019 में धर्मपाल गोंदर यहाँ से विधायक बने, वो निर्दलीय निर्दलीय थे। निर्दलीय विधायक बन के उन्होंने लगभग 4.5 साल सरकार के साथ रहे। हाँ, कभी भाजपा के नेता थे गोंदर साहब जी। उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ करके चुनाव लड़ा था निर्दलीय। हाँ, 4.5 साल लगभग सरकार के साथ रहे। उसके बाद अब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, कांग्रेस में ज्वाइन कर ली थी जी। कांग्रेस ने टिकट दिया धर्मपाल गोंदर साहब को ही जी, और बीजेपी ने टिकट दिया अपने पुराने जो उनके एमएलए हैं भगवान दास कबीरपंथी उनको ही जी। क्या मान के चले, नीलोखेड़ी में किसान आंदोलन से सब कुछ बहुत प्रभावी रहा, सब कुछ रहा है, तो उन सब बातों के मद्देनजर जो है धर्मपाल गोंदर का जो है ना चुनाव जीतना वो आसान नजर आ रहा है जी। लगता है कि वो चुनाव नीलोखेड़ी चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, जीत सकते हैं, आगे हैं, आगे हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं जी। अगली विधानसभा सीट आती है पानीपत जिले की, तो करनाल की पांचों विधानसभा की हमने चर्चा कर ली। 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को एज है और 2 खड़ा मुकाबला है, वहाँ भाजपा आगे है जी। अगली बात करें तो फिर पानीपत जिले की सबसे पहली सीट पानीपत शहरी। हाँ जी, प्रमोद विज यहाँ से विधायक हैं आजकल, 2019 में टिकट मिला उनको, चुनाव जीते, विधायक बन गए जी। जो आप बता रहे थे फतेह चंद विज उनके परिवार से ही हैं। हाँ जी, वीरेंद्र बुल्ले शाह यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बलबीर पाल शाह भाई के भाई हैं ये, और रोहिता रेवड़ी यहाँ पर कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट, जो कभी भाजपा से 2014 में भाजपा की विधायक थी जी। उससे पहले नगर निगम की पार्षद थी ये, या मेयर थी या पार्षद थी, पार्षद अध्यक्ष रही है, नगर निगम में पार्षद थी शायद, ये अध्यक्ष नहीं थी मेरे ख्याल, अध्यक्ष चलिए न, मतलब नगर निगम छोटी सरकार के अंदर थी, वो नगर परिषद में, नगर निगम तो बाद में बना है जी, पार्षद थी ये रोहिता, चलो मतलब स्थानीय राजनीति में थी, सक्रिय थी बिल्कुल। और रोहिता रेवड़ी को टिकट मिला, इनके जो पति वो बड़े उद्योगपति रहे। हाँ, रोहिता रेवड़ी को 2014 में टिकट मिला, चुनाव लड़ा, विधायक बनी जी। 2019 में भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, पार्टी नहीं छोड़ी, ठीक है, पार्टी में ही रही जी। 2019 में प्रमोद विज को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रमोद विज 2019 में विधायक बन गए। हाँ जी, रोहिता रेवड़ी ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव चला उस चुनाव के दौरान में बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में चली गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। हाँ जी, हाँ जी, टिकट की दावेदारी थी, टिकट मिला नहीं, तो हाँ, निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गई कांग्रेस को छोड़ करके। हाँ जी, पानीपत को क्या समझें, शहरी विधानसभा सीट है पानीपत, जैसे पानीपत के अंदर हैंडलूम कहा, का बड़ा उद्योग, बड़ा कारोबार है। हाँ बिल्कुल, प्रवासी लोग बहुत हैं वहाँ पर जी, थोड़ा सा यूपी भी उसको कनेक्ट करता है। हाँ, और मोमडन मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में जी, तादाद में। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बुल्ले शाह का भी नाम रहा है, मैंने बताया ना शुरू में कि पानीपत में ज़्यादातर भाजपा का प्रभाव रहा है उस सीट पर, लेकिन बलबीर पाल शाह एक ऐसे नेता वहाँ पे रहे हैं बड़े दमदार जी, जो मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बलबीर पाल शाह। अब उनकी सेहत कुछ कमज़ोर है, तो उसके भाई जो है पिछले चुनाव तो बुल्ले शाह ही संभालते रहे, वही संभालते थे। बुल्ले शाह को भी पानीपत के अंदर एक जुझारू और बड़ा कर्मठ संघर्षशील नेता कहा जाता है, संघर्षशील और कर्मठ बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, यारों के यार और काम करने वाले, उनके बारे में उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। तो उस मद्देनजर रखते हुए बात को जी, तो बुल्ले शाह को एक अच्छा उम्मीदवार मानते हुए, और जैसा कि आपने कहा कि रोहिता रेवड़ी जी वो भले कांग्रेस में चली गई और आज मैदान में है, तो मुझे लगता है वो डैमेज करेंगे तो भाजपा को करेंगे। रोहिता रेवड़ी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, मैंने कहा ना वो मान लो उनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे, वो बिल्कुल मुकाबले में है, वो डैमेज करेगी, मुझे जो लगता लोग ये कह रहे हैं डैमेज करते करते चुनाव भी जीत सकती हैं वो भी, अभी शायद इस स्थिति में तो नहीं, मुझे ट्रेंगुलर फाइट कही जा रही है वहाँ, बिल्कुल ट्रेंगुलर फाइट में तो आ गई है वो। अब मुझे ये लगता है कि वो ज्यादातर वोट जो काटेंगी ना, हाँ ये तय है कि नुकसान भाजपा को करेंगी, करेंगी वो, उस नाते भाजपा को वहाँ नुकसान हो सकता है, वरना वो सीट भाजपा को जानी थी। हाँ, इस समय क्या मान के चलें, मुकाबला है लेकिन भाजपा एज पे मानता हूँ मैं, कांग्रेस को एज पे मानता हूँ यहाँ पर। देखिए वक्त मुकाबला कड़ा है यहाँ पर, हम ग्रीन सिग्नल किसी को नहीं देंगे,
हमें कांग्रेस का जो उम्मीदवार कांग्रेस का जो है ना उसका ज्यादा अच्छा बड़ा बड़ा है उनका भी, उसका नाम बुल्ले शाह का, वीरेंद्र बुल्ले शाह का और बलबीर पाल शाह। हालांकि बलबीर पाल शाह की छवि अलग टाइप की और वीरेंद्र बुल्ले शाह की छवि अलग टाइप की रही है, दोनों भाइयों की, दोनों भाई एक तरह से कह दें तो नदी के दो किनारों की तरह है। नहीं, बुल्ले शाह मिले हमेशा साथ रहते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उनका छोड़ा बुल्ले शाह ही देखते हैं, वीरेंद्र ही देखते हैं, पर उनका जो स्वभाव है नेचर वाइज आप माने तो दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने कहा ना, यारों के यार और काम करने की उनकी वो जो थी ना एक इमेज। तो पानीपत सिटी के अंदर हम मान के चलें कि ट्रायंगुलर फाइट है, कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा मैंने कहा ना, हो सकता है मेरे हिसाब से कि एज हो एज कांग्रेस को, पार्टी हम आपके हिसाब से देते हैं एज बीजेपी को है, मुझे ऐसा लग रहा है जी आज बीजेपी का है। लेकिन बुल्ले शाह भी कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है और वो हो सकता है अपने चुनाव को, जैसे उनके अंदर एक कला है, एक निपुणता है इस परिवार में, कि हो सकता है वो चुनाव को और आगे ले जाए और आगे बाजी मार ले, तो इसलिए येलो सिग्नल दिया करते हैं कि भाई है। तो इसलिए पानीपत के अंदर हम ट्रायंगुलर फाइट और प्रमोद विज, वीरेंद्र बुल्ले शाह, रोहिता रेवड़ी सभी के लिए येलो सिग्नल है, ठीक है, क्या हो सकता है जी। अगली बात कर लेते हैं पानीपत ग्रामीण की जी। महिपाल ढांडा यहाँ से कैंडिडेट हैं जी, 2019 में विधायक बने, सरकार के अंदर वजीर भी रहे, राज्य मंत्री बने जी। सामने है सचिन कुंडू कांग्रेस से। हाँ जी, पानीपत ग्रामीण के अंदर सीट तो पानीपत ग्रामीण है जी, पर शहरी मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में है। हाँ, अग्रवाल मतदाता भी हैं काफ़ी संख्या में है जी जी। बाबू ओम प्रकाश जैन यहाँ से विधायक बने, विधायक रहे, मंत्री भी रहे जी, स्वर्गवास हो चुका उनका। हाँ, उनके परिवार से भी चुनाव मैदान में कोई है जी, लेकिन बता रहे हैं फाइट वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, आमने सामने की टक्कर है जी। इस फाइट के अंदर महिपाल ढांडा को एज दिया जा रहा है, हैवी बताए जा रहे हैं महिपाल ढांडा, और सचिन कुंडू एकदम से आए बताते हैं नए कैंडिडेट हैं और उनके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप बताएं क्या कहेंगे महिपाल का। देखिए, मैंने कई बार वहाँ पे लोगों से बात की और समझा है, उन्हें लोगों के साथ मिलजुल के काफ़ी अच्छा उसने प्रभाव रखा है अपना, बतौर जो MLA थे वो सरकार के साथ मिलके चले। बिल्कुल, शुरू में वो विज साहब के भी बड़े नज़दीक थे, बीजेपी में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे महिपाल, वो अनिल विज के बहुत नज़दीक थे काफ़ी। अनिल विज ने उनको पगड़ी छगड़ी पहनाई जब मंत्री बन के आए ना, तो लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार के साथ मिल के अपना काम करने की भी उनमें थी जी, काम वाम किया और नायब सारिणी सरकार में वो मंत्री बन गए, तो अच्छा है उनका। तो देखिए, वैसे चुनाव तो इतना कमज़ोर नहीं है कांग्रेस का भी जी, लेकिन थोड़ा सा अपर हैंड जो है वो मान सकते हैं कि महिपाल ढांडा को हाँ चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसे हाँ जीत सकते हैं, यानी कि उनको हरी झंडी दे सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दी जा सकती, पानीपत ग्रामीण में हरी झंडी महिपाल ढांडा को जी। अगली विधानसभा है रिजर्व विधानसभा है इसराना। हाँ जी, नौलता विधानसभा सीट होती थी पहले जी, हाँ रिजर्व थी वो भी, हाँ लेकिन पहले कभी ओपन भी होती थी, कभी ओपन भी थी, वहाँ पे प्रसन्नी देवी वो विधायक रही है हाँ। और उसके बाद सतबीर कादियान, सतबीर मलिक थे, सतबीर मलिक वो वित्त मंत्री भी रहे देवीलाल के मंत्रिमंडल में, वो भी रहे हैं, वो भी उन्हीं के गांव से ही थे, प्रसन्नी देवी जी का जो गांव है सीख पाथरी, तो पहले नौलता ओपन भी थी फिर वो रिजर्व हुई, रिजर्व होगी। कृष्णलाल पवार वहां से MLA बनते रहे उस समय, हाँ नौकरी छोड़ करके, शायद वो किसी नौकरी में थे, वो इनेलो पार्टी से, हाँ नौकरी छोड़ करके इनेलो में आए थे जी, और इनेलो ने उनको हाथों हाथ लिया, टिकट दिया, वो विधायक बने जी, इंडियन नेशनल लोकदल से वो कई बार विधायक बने, बिल्कुल सूबे के वजीर भी रहे जी। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने इनेलो को छोड़ दिया, हाँ 2014 का चुनाव उन्होंने लड़ा बीजेपी से, हाँ चुनाव जीते इसराना से जी, और चुनाव जीत करके वो मंत्री बने, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार में, बिल्कुल 2019 में भी टिकट उनको मिला, चुनाव उसमें हार गए। 2019 में यहाँ पर चुनाव जीते बलबीर वाल्मीकि, हाँ जी नया चेहरा थे उस समय वो जी, और अपनी पर्सनल पकड़ पे ही उन्होंने चुनाव जीता। हाँ, पिछली बार कोई कांग्रेस की बड़ी हवा नहीं थी, ठीक है, और सबसे प्रमुख बात यह है कि वो बलबीर वाल्मीकि जो है वो लोगों में उनकी पसंद ठीक ठाक रही है। अभी जो कांग्रेस की लिस्ट भी आउट हुई कैंडिडेट्स की, हाँ जी, इसराना का नाम दूसरी सूची में आया था, वो पहली में शायद चूक हो गई थी,
पहली में 31 नाम दिए जिसके अंदर 30 एमएलए और एक चौधरी उदयभान का नाम था। हाँ। उसके बाद उन्होंने सुधार किया और एक अकेले इसराना से नाम आया बलवीर वाल्मीकि का थोड़ी देर बाद ही। जी जी, बलवीर वाल्मीकि और कृष्ण पवार चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी। पिछले दिनों अभी 3-4 दिन पहले इसराना के अंदर एक विवाद भी हुआ जी। एक कृष्ण पवार और एक वहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता है उनको लेकर के वहाँ के एक सरपंच ने बड़ा बवेला किया था। बड़ी उठपटांग वाहियात बातें भी हुई उसमें। हाँ हाँ। और वो कहते थे कि उन महिला के पैर छुए कृष्ण पवार की चाहते हैं। जी। कृष्ण पवार भी उम्र के उस पड़ाव में और जिस महिला पर कह रहे थे वो भी उम्र के उसी पड़ाव पर है। जी। खैर जी, चुनाव क्या समझें? चुनाव के समय में ऐसे गड़े मुद्दे अक्सर उखाड़े जाते हैं या हो जाते हैं। और जैसा कृष्ण पवार के बारे में आपने बताया कि वो विधायक बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, फिर चुनाव हार गए। भाजपा के हरियाणा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, बड़े नेता, बड़े नेता हैं उनके यहाँ। और सांसद, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद भी हैं। उनको फिर सांसद होने के नाते बावजूद उनको विधायक में भेज दिया, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। ये तो था कि इसराना में कृष्ण पवार के अलावा इनके पास कोई और चेहरा नहीं था, नहीं था, वो मजबूत बैठते हैं। लेकिन हालात के मुताबिक जो वहाँ का है माहौल जी, उसमें वही लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है ना वो अपर हैंड है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा इसराना में आप ज़्यादा चर्चा ना करें, बलवीर वाल्मीकि चुनाव जीत रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उनका अपर हैंड है, वो एज पे है जी, चुनाव जीतने के आसार उन्हीं के बनते हैं। तो इसराना में कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल दें जी, बलवीर वाल्मीकि जीत सकते हैं। हाँ। अगली विधानसभा सीट है पानीपत जिले की अंतिम विधानसभा सीट और लोकसभा की भी नवीं सीट समालखा जी। गुजर नेता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं ज्यादातर, करतार सिंह भड़ाना 1996 और 2000। हाँ, दो बार लगातार यहाँ से विधायक बने। बिल्कुल। 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार में वजीर बने और 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी मंत्री बने। उसके बाद वो कई जगह घूमते रहे करतार सिंह भड़ाना। कई जगह क्या, उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अभी पिछला कोई जगह ही नहीं छोड़ी, जगह छोड़ते ही नहीं। हाँ, पिछला चुनाव अभी उन्होंने जगह बेशक छोड़ दे, वो जगह नहीं छोड़ते। जगह उनको छोड़ दे पर वो जगह नहीं छोड़ते। चुनाव लड़ा उन्होंने पिछले दिनों, चुनाव लड़ना तो वो था ना शगुल मेला उनका, कहते हैं वो हमारे लोकमान्य तिलक ने कहा ना था कि जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चुनाव लड़ना तो इनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार हो रहा है। हाँ, हाँ, कि लड़ना है किसी भी पार्टी से, कहीं से भी। अभी उत्तराखंड से चुनाव लड़े थे पिछले दिनों वहाँ से लड़ा। हाँ, उससे पहले भी यूपी से, यूपी में पहले भी चुनाव लड़ा। करतार भड़ाना तो यूपी में एमएलए बन नहीं पाए, शायद बन नहीं पाए लेकिन चुनाव लड़ा। हाँ, वो राजस्थान में अवतार सिंह तो बन के आ गए एक बार। हाँ, करतार नहीं बन पाए। अवतार सिंह तो सांसद भी रहे और मीरपुर से विधायक भी रहे। अब की बार समालखा में करतार सिंह भड़ाना के बेटे मन्नू भड़ाना, मनमोहन भड़ाना बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ से है। धर्म सिंह छोकर वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जी। 2009 में भी धर्म सिंह छोकर विधायक बने थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर थे जी। और जनहित कांग्रेस को अपना हित लेते हुए जनता का हित छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। हाँ। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने, 2019 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने जी। लगातार तीसरी बार एमएलए हैं जी। ईडी के घेरे में भी रहे हैं पिछले दिनों। हाँ, पिछले दिनों इनके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई जी। धर्म सिंह छोकर की हिस्सेदारी भी है फरीदाबाद में। हाँ, तिगांव के निवर्तमान जो पूर्व विधायक है तिगांव के ललित नागर, और ये इनके साथ जो ब्रिज बढ़ाना है पुरुष भांग के भाई, उनके साथ भी रिश्तेदारी है। तो धर्म सिंह छोकर पुलिस में हुआ करते हैं जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल। पुलिस की नौकरी छोड़ करके हेड कांस्टेबल थे शायद उसमें जी, और हेड कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके यानी कि संतरी से मंत्री बने। इनके भाई थे या चाचा थे वो विधायक रहे हैं और वो राजनीति में थे, उनका बड़ा नाम था जी। उनको पीछे धकेल के ये खुद सामने आ गए और अब तो काफी अच्छा इनका पार्टी में प्रभाव है, बड़े नेता बन गए। हुड्डा साहब के काफी क्लोज हैं और सब बातों को देख के ऐसा लगता है कि भी लोगों में ये है कि भी सरकार में इनका अच्छा बोलबाला होगा। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी साथ में है, वो तो चलती है इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी तो जब ज्यादा हो जाती है जब रूलिंग पार्टी में हो जी। अपोजिशन वाले के लिए तो लोग ये कहते हैं भाई मैं लाचार था, असमर्थ था,
तो वो उनको एक बहाना मिल जाता है। मनमोहन भड़ाना के पिताजी वहाँ पे दो बार मंत्री एमएलए रहे हैं, उसका फायदा उनको मिल सकता है कुछ? ये कोई फायदा नहीं है। नए चेहरे भी हैं या लोग ये कह देंगे तुम आए लड़े और चले गए, तुम भी आए और चले जाओगे? हाँ, है ये, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? बिल्कुल है ये, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे सवेरे वाली गाड़ी में। कहीं मन्नू भड़ाना साहब को भी कहीं सुबह वाली गाड़ी पे तो नहीं बिठा देंगे लोग? लगता तो ऐसा ही है, मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है। क्या लगता है, धर्म सिंह छोकर या मनमोहन भड़ाना? धर्म सिंह छोकर वहाँ से ग्रीन सिग्नल दे दें, बिल्कुल चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो ये नवी स्वीट सीट समालखा जहाँ पे आपने कहा ग्रीन सिग्नल जी, कांग्रेस को धर्म सिंह छोकर चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। 9 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा की, करनाल लोकसभा की 9 सीटें जिन पर येलो सिग्नल गया, जहाँ पर ये है कि गाड़ियाँ रेंग रही हैं, वो करनाल जगमोहन आनंद को येलो सिग्नल, सुमिता सिंह को येलो सिग्नल। अगली विधानसभा सीट घरौंडा हरविंदर कल्याण को येलो सिग्नल, वीरेंद्र राठौर को येलो सिग्नल, यही कहा आपने जी? जी जी जी। अगली विधानसभा सीट यहाँ पर जो आप बताइए आपने जी, वो बताइए आपने, प्रमोद विज, वीरेंद्र बुल्ले शाह और रोहिता रेवड़ी पानीपत सिटी की विधानसभा सीट, इनको येलो सिग्नल। अगली बताइए आपने जो फेवर की हैं बीजेपी की, पानीपत ग्रामीण आपने कहा कि महिपाल ढांडा चुनाव जीत रहे हैं, उनको ग्रीन सिग्नल। और बाकी की जो 5 विधानसभा सीटें, समालखा आपने कहा कांग्रेस धर्म सिंह छोकर को ग्रीन सिग्नल, इसराना में आपने कहा बलवीर वाल्मीकि को ग्रीन सिग्नल जी, नीलोखेड़ी आपने कहा धर्मपाल गोंदर को ग्रीन सिग्नल जी, असंध आपने कहा शमशेर गोगी को ग्रीन सिग्नल जी, जी और इंद्री आपने कहा राकेश कंबोज को ग्रीन सिग्नल जी। मगर ये मान के चलें तो इनमें 5 सीटें तो कांग्रेस को जा रही हैं और 2 सीटें भाजपा को, हाँ, और 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन भाजपा एज भाजपा थोड़े से एज पे भाजपा एज सीट पे भी। तो फिर हम कुल मान के ये चलिए भी 5 सीट पे कांग्रेस आगे है और 4 पर बीजेपी आगे है, 4 पे बीजेपी टक्कर दे रही है और कुछ आगे है जी। तो बाकी अभी समय है और प्रचार का भी है जी, 3-4 दिन में चुनाव कितना बदलेगा, किस तरफ जाएगा इस पर भी नजर रखेंगे और एक बार आपको फिर बताएंगे। आप हमारे इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।